उठ गई तुम? जी। अच्छा फिर मैं नाश्ता लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन मुझे नाश्ता नहीं करना। खाना तो पड़ेगा ना, मेडिसिन लेनी है तुमने, खाली पेट दवाई तो नहीं खा सकती। दिल नहीं चाह रहा मेरा। ले लूंगी मेडिसिन, कुछ नहीं होता। खाली पेट मेडिसिन लेना कहाँ की अकलमंदी है भाई? और खाओगी नहीं तो रिकवर कैसे करूं? पढ़ाई का, यूनिवर्सिटी का कितना स्ट्रेस होगा। एनर्जी कहां से आएगी? अब मेरे पास थोड़ी देर बैठी नहीं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? मुझे अब यूनिवर्सिटी नहीं जाना। क्यों? इतनी मुश्किल से तो तुम्हारे अबू को राजी किया था। रियान को नहीं पसंद। क्या नहीं, क्या नहीं पसंद? मेरा यूनिवर्सिटी जाना। उसको नहीं पसंद तो तुम पढ़ना छोड़ दोगी? जाहिर सी बात है, मोहब्बत करती हूँ मैं उससे, उसी के लिए जी रही हूँ। मैं खामखा जिद क्यों करूँ? और जब उसने कह दिया है कि उसको नहीं पसंद, तो मैं जिद करके उसकी अना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। तो तुमने इसका ये हल निकाला है कि तुम उसकी अना की तस्कीन बन जाओगे? तुम एक बात बताओ मुझे, क्या क्या छोड़ोगे उसकी और कब तक? तो उसमें हर्जी क्या है? अगर मैं सारी जिंदगी उसके साथ गुजारना चाहती हूँ तो उसकी मर्जी से गुजारने में क्या मुजायका है? जिसमें उसकी खुशी, उसमें मेरी खुशी। तो क्या उसे तुम्हारी खुशी का एहतराम नहीं करना चाहिए? और अगर यही डिमांड तुम उससे करो तो क्या तुम्हारी खुशी की खातिर वो यूनिवर्सिटी छोड़ देगा? और तुम उससे ये भी तो कह सकती हो कि तुम पढ़ना चाहती हो, तुम्हारी ख्वाहिश है पढ़ना। मैं कुछ नहीं कह सकती उसे, मैं सिर्फ सुन सकती हूँ। और ये मुझे अच्छा भी लगता है। फिर बिलावल जी की बहस कैसी? रायान की ख्वाहिश नाजायज है, तुम्हें जानती हूँ। उसके लिए सब जायज है। जिस तरह तुम उसकी हर बात पर सर झुका रही हो, आगे जाकर वो क्या कुछ नहीं करेगा तुम्हारे साथ? कम से कम साथ तो होगा, फिर वो जो करे।